टैटोर तालाब में दो बालक को नहाते वक्त तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों बालक सुबह 9 बजे करीब घर से तालाब में नहाने गए थे। तालाब के बीच गहरे पानी में जाने के कारण बालक डूब गया। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों किशोरों के शव की तलाश शुरू की तथा काफी मशक्कत के बाद दोनों बालकों के शवों को तालाब से बाहर निकाला। और SI गजानंद चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को पूरा पटोर तालाब में डूबने से अजमेर पुत्र वनवारी उम्र 12 वर्ष निवासी नयावास थाना बसेड़ी एवं अक्रम पुत्र फिरोज उम्र 12 वर्ष निवासी नयावास थाना बसेड़ी की मौत हो गई। बालक घर से सुबह 9 बजे करीब तालाब में नहाने के लिए गए हुए थे, लेकिन गहरे पानी में जाने के कारण बालक डूब गए। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से दोनों बालकों के शव को तालाब से बाहर निकलवाया है। वहीं अजमेर का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपर्द कर दिया। और SI ने बताया कि परिजनों ने एक बालक का स्वेच्छा से पोस्टमार्टम नहीं करवाया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर कार्रवाई की है। आज सुबह करीब 9 बजे घर से अकरम सनौ फिरोज अजमेर पुत्र बनवारी निवासी नयावास खीरपोठा बसेड़ी तालाब में नहाने के लिए गए थे, तो नहाते समय गहरे पानी में चले जाने से दोनों डूब गए। ग्रामीणों के सहयोग से उनको निकाला गया, अस्पताल बसेड़ी लाए। अकरम के पिताजी ने पोस्टमार्टम नहीं करवाने वाले तहरीर पेश की। अजमेर के पोस्टमार्टम पंचायतनामा कार्रवाई करवा करके डेड बॉडी परिजनों के सुपुर्द